अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपका व्हाट्सअप हैक हो गया है, ठीक है, या कोई भी एप्लीकेशन आपकी हैक हो गई है, तो आप उससे लॉग आउट किस तरह से कर सकते हैं, उसकी सारी परमिशंस किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अभी मेरा व्हाट्सअप ओपन है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं बैक जा रहा हूँ, ठीक है। बैक चले जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है मोबाइल की। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद आपने जाना है ऐप्स में, ठीक है। ऐप्स पे क्लिक करने के बाद आपने, चलें ये ओपन हो जाए जी, उस एप्लीकेशन को चेक करना है जिसे आप समझते हैं कि किसी ने हैक किया हुआ है। ये सारी रनिंग एप्लीकेशंस हैं, आप इंस्टॉल्ड पे आ जाएं, ठीक है। यहाँ पे आपको वो सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी जो आपकी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। इसके बाद आपने नीचे चले जाना है और यहाँ पर आप चेक कर लें, अगर मसलन आपका व्हाट्सएप हैक किया हुआ है किसी ने, तो आप व्हाट्सएप पे चले जाएं, ठीक है। मैसेंजर है तो मैसेंजर पे चले जाएं। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से लॉग आउट हो सकते हैं। आपने व्हाट्सएप पे क्लिक करना है। व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे क्लियर डेटा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है, एंड देन ओके। All this apps data will be deleted permanently. This includes all files, setting, account, database, etc. ठीक है, यहाँ पे आप ओके करेंगे और आपका जो डेटा है, जो चीज़ें हैं, वो सारी मतलब उससे ख़त्म हो जाएंगी, उसकी ओवरऑल परमिशन ख़त्म हो जाएगी। अगर दोबारा आप इसको ओके करते हैं, ओके करने के बाद आप अपने मोबाइल में दोबारा से आप अपने व्हाट्सएप पे जाते हैं, ठीक है। मैं जिस तरह आपको अभी बता रहा हूँ, ये मैंने सारा डेटा ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब मैं दोबारा से व्हाट्सएप पे चला जाता हूँ और चेक करता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों, ये रहा व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद दोस्तों, ये चेक कर सकते हैं आप कि इसने सारा कुछ ख़त्म कर दिया होगा, ठीक है। ये उसी तरह से है कि जिस तरह आपका मोबाइल रिस्टोर होता है, ठीक है। दोस्तों, आप दोबारा से आपको अपना नंबर एंटर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो ब्राय मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोबारा से आपको आपके मोबाइल की सेटिंग दोबारा से करनी होगी, ठीक है। आपने दोबारा अपना मोबाइल का कोड वगैरह, सॉरी, अपना नंबर वगैरह डालना है। तो दोबारा से जिस तरह से कि मोबाइल एक, इसको मैंने पेन लगाई हुई है, ठीक है, वो पेन डाले बगैर अगर कोई नंबर एंटर भी करता है तो ये सेटअप इसका स्टार्ट नहीं होगा। इससे ये होगा कि अगर मेरा मोबाइल गुम हो जाता है तो कोई व्हाट्सएप की चैटिंग वगैरह, अक्सर इसमें पिक्चर्स वगैरह बंदा एक दूसरे को सेंड करता है, तो वो चीज़ें सिक्योर होंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डेटा आप चाहते हैं कि उसे रीस्टोर करें, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, अदरवाइज स्किप कर दें। दोस्तों, ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो इसी वजह से ये कह रहा है कि आप जो है मोबाइल के बजाय कंप्यूटर से कनेक्ट करें, लिखें, ठीक है। नेक्स्ट करने हैं आपने।
उम्मीद है आपको सेटिंग समझ में आ गई होगी कि किस तरह से लॉग आउट हो सकते हैं आप अपने मोबाइल व्हाट्सएप से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल या व्हाट्सएप किसी ने हैक किया हुआ है तो आप उससे इजीली, ये देखें दोस्तों स्टार्ट हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।